नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बीपीएससी के द्वारा 1,70,461 शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज परीक्षा का पहला दिन था। वर्ग 1 से वर्ग 5 के लिए आज दो पालियों में परीक्षा ली गई, जिसमें प्रथम पाली में पुरुष अभ्यर्थी थे और द्वितीय पाली में महिला अभ्यर्थियों ने भाग लिया। आपको बता दें कि बीपीएससी के द्वारा जानकारी दी गई है, एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो प्रेजेंटेशन था, मीन्स जो उपस्थिति थी आज परीक्षा में, वो काफ़ी ही अच्छी थी। यानी कहा जाए कि फॉर्म जितना लोग डालें लगभग लोगों ने परीक्षा दिया। 7,70,000 कैंडिडेट जो हैं वो आज इस परीक्षा में शामिल हुए, और लगभग बता दें कि इतने ही कैंडिडेट के आसपास जिन्होंने कक्षा 1 से लेकर 5 तक लिए आवेदन दिया था। यानी कि जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं, जो 1 से 5 जिनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिनका उम्मीदवारी पर जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया था, वो सारे लोग इस परीक्षा में शामिल हुए हैं इस आशा में कि आगे उन पर कुछ विचार हो सकता है या कुछ भी परिवर्तन हो, कुछ फैसला लिया जाए तो उनका नौकरी हो सकता है। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि जो प्रेस रिलीज आया है उसमें कहा गया है कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा ने 24 अगस्त 2023 को आयोजित की गई शिक्षक भर्ती परीक्षा की मुख्य परीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इस परीक्षा में दो शिफ्ट में लगभग 7,70,000 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जो कि बिहार के 38 जिलों में आयोजित की गई। परीक्षा के 874 केंद्र बने थे और इनकी CCTV कैमरों की स्थापना की गई थी इनमें, और परीक्षा केंद्र जिला और BPSC के मुख्य कार्यालय पटना के सेंट्रल कॉमन कंट्रोल के स्तर पर त्रिपरत मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई थी। आपको हम बता दें कि साथ में ही उम्मीदवारों को 3 जो चरण के बायोमेट्रिक चेक जो हैं उससे गुजरना पड़ा, ताकि किसी तरह की पहचान की समस्या को रोका जा सके। इस प्रक्रिया में उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड और OMR शीट को उनके FR और FPS बायोमेट्रिक चेक के साथ जोड़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहायता से उनकी पहचान को प्रमाणित की गई। परीक्षा के दौरान 6 अभ्यर्थी जो उम्मीदवार को संभावित प्रतिरूपणकर्ता यानी कि गलत पहचान के रूप में पहचाना गया था, जिनमें से एक उम्मीदवार की पुष्टि की गई थी, और परीक्षा केंद्र द्वारा प्रतिरूपणकर्ता यानी कि गलत पहचान वाले के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी और बाकी 22 उम्मीदवारों पर जांच चल रही है। परीक्षा के दौरान शिक्षा या अनैतिक तरीकों का कोई खबर नहीं है। तो आपको हम बता दें कि जो BPSC के द्वारा है ये कहा गया है कि इसमें बता दें आपको कि 6 उम्मीदवार जो हैं वो संभावित गलत पहचान के रूप में पहचाना गया था, जिसमें से एक उम्मीदवार की पुष्टि की गई है, और परीक्षा केंद्र द्वारा जो गलत पहचान के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी और बाकी उम्मीदवारों पर जांच चल रही है। यानी कि कुल 23 उम्मीदवार जो हैं जो कि शक के दायरे में हैं, जिन पर शक है कि वो गलत पहचान, शक क्या, एक तरह से स्पष्ट है कि गलत पहचान से वो परीक्षा में शामिल हुए थे। तो आपको बता दें कि 7,70,000 कैंडिडेट जो हैं ये परीक्षा में शामिल हुए हैं। काफ़ी अच्छा उपस्थिति है, और इससे लगता है कि परीक्षा को लेकर छात्र कितने जागरूक थे और काफ़ी समय से तैयारी भी कर रहे थे। तो हम आशा करेंगे कि आपका परीक्षा अच्छा गया हो और आपका परिणाम सकारात्मक रहा हो। आपको बताएं कि ये लगभग 80,000 सीटों के लिए आज जो है परीक्षा का कार्य पूरा हो गया है। कल हिंदी और इंग्लिश का पेपर है, भाषा का पेपर है, दो पालियों में आयोजन उसका भी होगा। एक पाली में सिर्फ पुरुष अभ्यर्थी रहेंगे, दूसरे पाली में महिला अभ्यर्थी रहेंगे। इसके साथ साथ परसों यानी कि 26 अगस्त को वर्ग 9-10 और द्वितीय पाली में वर्ग 11-12 के लिए परीक्षा लिया जाएगा। तो आपको बता दें कि 7,70,000 कैंडिडेट जो हैं अंतिम रूप से इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।